हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियजनों, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है परमेश्वर ने। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को दिया, ठीक है? इसलिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही अल्फा ओमेगा आदिअंत है मेरे प्रियजनों। उसी ही के द्वारा हम सभी को जो है ना जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन पिता ने दिया है। देखिए परमेश्वर ने, मेरे प्रियजनों, आप इस बात को गहराई से सोच कर देखो, क्या कोई मनुष्य मनुष्य के लिए लहू बहा सकता है? मेरे प्रियजनों, आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धन दौलत के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं, तो ज़रा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा? ये बात अपने दिमाग से गहराई से सोच कर देखो, क्या कोई किसी के खातिर अपनी जान दे सकता है? क्या कोई अपने मुंह पर थुकवाएगा? क्या कोई अपने शरीर पर कोड़े लगवाएगा? मेरे प्रियजनों, नहीं। मेरे प्रियजनों, एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही मेरे प्रियजनों हम सभी के खातिर उस पर ताड़ना पड़ी, उसके मुख पर थूका गया, उसी को 39 कोड़े लगवाए गए, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके मुख पर थूका गया, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उसे सिरका पिलाया गया। मेरे प्रियजनों, सैनिक लोग उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचाए। यदि परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियजनों, सिर्फ हम सभी के खातिर जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे खातिर अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर उसने ले लिया। और हमारा प्रभु कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, उसने बलिदान अपने आप को कर दिया, अपने आप को नहीं रख छोड़ा परमेश्वर ने। फिर भी मनुष्य पाप कर रहा है, जानबूझकर पाप कर रहा है, बेविचार कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जानबूझकर यीशु मसीह के लहू की कदर नहीं कर रहे हैं आज के इस समय में। मसीह भाई बहन, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के लहू की कदर करिए। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, जिसके कहर से सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी थरथराते कांपते हैं। मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर से डरो, डरो मेरे प्रियजनों। वह अल्फा ओमेगा आदिअंत है, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। बचाना मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि हम सभी से या आपसे या हमसे पाप गलती गुनाह हुए हैं, तो पिता से बताएंगे, अपने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, ठीक है? परमेश्वर के आगे घुटने टेक के बैठेंगे और अपने गुनाहों को, पापों को यीशु मसीह के सामने मान लेंगे और उन्हें छोड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर, बचपन से अब तक लगातार जितने मैंने पाप किए हैं, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, मैं अपने पापों को मानता हूँ, कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए, अपनी आत्मा मुझे दीजिए, अपनी शांति मुझे दीजिए। वो शांति नहीं जैसा संसार देता है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं शांति अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर अपनी शांति हमको देना चाहता है, कि आप उसकी शांति को लेना चाहते हो मेरे प्रियजनों? हाँ या ना मेरे प्रियजनों? यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही हम सभी के पापों को क्षमा कर सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास करना है परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है। जितनी तेजी से वह आती हैं, उतनी तेजी से वह चली जाती हैं, वैसे संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय वह संदेह ही करता रहता है। वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या नहीं, वो यही सोचता रहता है। हम सभी को संदेह नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मांगते हो तुम प्रतीति कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को प्रतीति करना है, विश्वास करना है कि वह हमारे लिए हो गया है और वह वैसा ही हो जाएगा, परमेश्वर कर देगा। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं,
तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर दूर करेगा मेरे प्रिय। ठीक है, और दूर करना परमेश्वर है, हम सभी को विश्वास करना है। तो चलिए हम प्राणों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगमन करके इस प्राणों को सुनेंगे, लास्ट में आमीन लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता महान प्रभु, आप दयालु हैं, आप अनंत परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है शिव पापा। इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता के नए से मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे प्रभु, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं योगान गुड़ता रहते प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन पिता आपने दिया है मेरे प्रभु। इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया हालेलुया धन्यदेशु धन्यदेशु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं यीशु पापा, आप माफ़ करिए मेरे पापा, आप क्षमा करिए पवित्र आत्मा जी, आप क्षमा करिए पिता। हम मनुष्य हैं पिता, हम मनुष्य निर्बल हैं, हम मानव जाति हैं प्रभु, हम पापों में, गुनाहों में, व्यभिचार में गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, पाप कर सकते हैं प्रभु। कृपया अपने लहू से क्षमा दान करें सूरज, आप क्षमा दान करें पिता, आप ही के पास क्षमा का अधिकार है पिता, कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं प्रभु। आप क्षमा करिए पिता, आप क्षमा करिए पिता, आपका लहू बहुत ही कीमती है पिता, आपने अपना लहू बाके मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीदा है, पापों को क्षमा किया है प्रभु। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आपने कहा है मैंने तेरा नाम ले के बुलाया है, तू मेरा ही है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह हम सभी का नाम लेके बुलाया है, वो हम सभी से प्रेम करता है, वो हम सभी को आंखें की पुतली की तरह संभाल के रखता है। यीशु मसीह ने कहा है जो तुम्हें छूता है वह आपको नहीं, वह मेरी आंखें की पुतली को छूता है मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजनों परमेश्वर ने इतना प्रेम हम सभी से किया है। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने प्रभु, और जो लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता प्रभु, जो बीमार हैं पिता, जिन्हें कैंसर है, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ, पत्थरियाँ हैं, पेट में दिक्कत है, शरीर में नर प्रकार की दिक्कत है, बुखार है, जुकाम है, मलेरिया, डेंगू पिता, कुछ भी समस्या है मेरे पवित्र आत्मा जी, हम चाहते आपके नाम से ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, आजाद हो जाए, आजादी को रसीब कर बोल कर आमीन, आजादी को रसीब कर बोल कर आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे स्वामी, ये मसीह बाबा चंगे हो जाएं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन। आपके आमीन में पावर है मेरे प्रियजनों, जब आमीन बोलेंगे तो प्रार्थना पूरी हो जाएगी और आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियजनों। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपये पिता, 1000 रुपये पर पिता अन्य जातियों से उधार ले रहे पिता, सहायता ले रहे प्रभु, ये किसी अन्य जातियों से उधार ना लेने पाए मेरे प्रभु, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए यहोवा जिरा, और मेरे बाप पिता आप इनका जीवन संभालिए प्रभु, इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को आप दूर कीजिए पिता, आप दूर करने परमेश्वर हैं पिता, आप यहोवा जिरा परमेश्वर हैं मेरे पिता, आप पिता इनके जीवन को बदलिए पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे पिता। आपने कहा है कि जो कोई मांगता है वह पाता है, कोई जो कोई ढूंढता है वह उससे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा मेरे पिता। मेरे प्रभु हम चाहते हैं उनके घरों के ऊपर पिता आशीष
डेल दीज पिता जो बंद आशीष खुल जाए पिता जो शैतान पिता की आशीषों को रोक रखा है पिता वही गंदी दुष्टात्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से वह आशीष खुल जाए पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते जिनके ऊपर जिनके घर में काला जादू का बंधन है करा धरा का बंधन है कराया धरा बंधन है यीशु मसीह के नाम से हर गंदी बदरी आत्माएं हैं पिता गंदी आत्माएं पिता उनके जीवनों में कार्य करती है पिता जिनका काम बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से जिनकी नौकरी बंद पड़ी है जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं परमेश्वर आपके नाम से इनकी दुकानें खुल जाए पिता बंद काम फिर से चलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरे प्रभु गंदी आत्माएं बदरी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से जाए भग जाए यीशु मसीह के नाम से भग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आपने कहा जिसको मैं छू लूंगा उसे पवित्र कर दूंगा मेरे पिता आप हम सभी को टच कीजिए टच भी पवित्र आत्मा जी टच भी पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर दीजिए पिता हर पापों से आजाद कर दीजिए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं जिन्हें डर लगता है भय लगता है प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। पिता मुझे आशा विश्वास यीशु पापा आपने प्राण को सुना है प्रभु ये छोटी सी मिलती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनिए और कबूल करेगा आमीन।